दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आपके सामने आज मैं लेके आया हूं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हाल ही में जो एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसकी वैकेंसी का, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट और बाकी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोल रखा है, यहां पे नोटिफिकेशन में टोटल 153 वैकेंसीज है। इस 153 वैकेंसी में से 85 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और 68 वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए। तो अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत शानदार वैकेंसी है ये। अब अगर आप मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। अब ये बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो भी यहां लिखा है, बीई या बीटेक डिग्री होल्डर्स बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई। मतलब अगर आपका बीटेक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सारी काम की बातें। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैंने बीटेक किया है लेकिन डिप्लोमा के बाद, तो मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं? तो आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपना बीटेक शो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीटेक शो करते हैं तो क्या आ जाता है, ओवर क्वालिफाइड आ जाता है कि आप इस वैकेंसी के लिए ओवर क्वालिफाइड है, ओके। अब देखिए सिर्फ यही नहीं है, और भी कुछ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको भी हम पहले देख लेते हैं। देखिए एज लिमिट क्या है, जनरल कैटेगरीज के लिए 36 इयर्स, रिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 41 इयर्स होने चाहिए। कब? 3 जनवरी 2023 तक आपकी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल की 36 और रिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की 41 इयर्स होनी चाहिए। तो इससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो यहां पर गिवन है उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सब रिजर्वेशन के बारे में कि कितनी सीट्स किस कैटेगरी की हैं। अब फीस कितनी लगेगी यहां पे, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी एससी बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी 500 रुपीस लगेंगे, और अगर आप एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए मात्र 250 रुपी है, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉलेज ऑफ गुजराती इज असेंशियल। आप किसी भी स्टेट से हो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। गुजराती लैंग्वेज की नॉलेज का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना बोलना लिखना, आप रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं गुजराती को, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कब से करना है, आपको अप्लाई करना है 3 जनवरी 2023 से लेके 23 जनवरी 2023 तक, यह आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पर GSECL.in। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं डिप्लोमा का और एज लिमिट भी आपकी है और साथ में आपको गुजराती भी रीड राइट और स्पीक कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट के थ्रू इस डेट स्लॉट में 3 जनवरी से 23 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, अगर आपने अभी यह वीडियो देखा है और अगर आप 23 जनवरी नहीं हुई है अभी तक तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ओके। इसके अलावा यहां पे और कोई नई चीज नहीं है, बाकी सारी वही है जो किसी भी जनरल फॉर्म को भरते वक्त हमें ध्यान में रखनी होती है, ओके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन सवाल या क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम का पैटर्न, इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें सेक्शन 1 होगा गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10% वेटेज, जनरल नॉलेज 10% वेटेज, जनरल इंग्लिश नॉलेज 10% वेटेज, कंप्यूटर नॉलेज 10% वेटेज, और जो आपका सब्जेक्ट होगा मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स, उसमें 60% वेटेज रहने वाला है, ओके। तो ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब ये डिटेल सिलेबस है, आप इस पीडीएफ को खुद डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और सवाल, कोई क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना सवाल, अपना कंफ्यूजन पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और इसी तरीके की और एग्जाम की अपडेट के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.